अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। विराज प्लीज प्लीज यकीन मानो, कोई नहीं यहाँ पे। बोलो। अरे बोलते क्यों नहीं हो, कौन बोल रहा है? गर्जो मत, राजीव नारायण चंदेल बोल रहे। क्या बात है? बात क्या होगी? हम यहाँ तुम्हारे ऑफिस में हैं और तुम यहाँ से नदारद। वैसे दाद देनी पड़ेगी तेरी हिम्मत की भी, शेर की मांड में आकर शेर को ललकार रहे हो। अबे चूहे, पहले अपने बिल से बाहर तो निकल। आ रहा हूँ बेटे, इंतजार कर। इस राजीव चंदेल की तो बाल बाल बच गए। बैठो यहाँ पर, तुम ठीक हो? एक मिनट, ये लो। वो चला गया। तुम ठीक हो ना? इससे पहले कि कोई और मुसीबत आ धमके, अपना बयान का रिकॉर्डिंग ना पूरा कर लेते हैं। चलिए चलो चलिए चलिए शुरू हो जाइए। मैंने विराज के खिलाफ तलाक के लिए कोर्ट में पेटिशन फाइल कर लिया और इसी सिलसिले में मैं मुजफ्फरपुर को, को हो गया। अब निकलो वहां से। अवधेश विराज भी निकल गया, तुम भी जल्दी से निकलो वहां से तुरंत। पर यहाँ आने पे उसे मेरी खबर मिल गई और फिर उससे मेरा अपहरण कर लिया। ये सब क्या है खुशबू? ये क्या कर रही हो तुम? अपना हक ले रहे हैं इससे पहले कि सड़कों पर आ जाए। देव, भानु, देव। रुक जाइए, फटाक से ना राजीव बाबू को भेज देते हैं। राजीव बाबू को भेज दिए हैं और आप चलिए हमारे साथ। चलिए क्या हुआ? वो तुम क्या कर रही हो? अब आपके साथ अगर विराज बदतमीजी करेंगे या आपको मारेंगे पीटेंगे ना, तो सब कुछ तो सब दिखेगा हमको, राजीव बाबू को और ई विराज को जेल में डालने का सबूत बनेगा। आप चिंता मत कीजिए, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि फोन के ना दरमियान ही रहना है, ठीक है? हाँ, अब हम निकलते हैं, चलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, हम आपके साथ हैं, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे, हम बचा के रहेंगे, ये हमारा वादा है, ठीक है? कू हाँ हाँ यकीन है हमें। थैंक यू। आपका भी शुक्रिया बयान रिकॉर्ड करने के लिए। बस अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है? चलिए।
ये कैसे खुलता है? एक मिनट मुझे ट्राई करने दो। ये तो बाहर से लॉक है। नहीं नहीं, बाहर से बंद नहीं है, बाहर से बंद किया गया है और विराज ने बाहर से बंद कर दिया है। अब क्या करें? आप चिंता मत कीजिए, हमको खिड़की से कूदने का बहुत पुराना अभ्यास। हम तैयार हैं कुहू, गेट की दाईं ओर मिलो, हम अपनी बाइक पे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। इधर दरोगा साहब, इधर। जी। अपने डीएसपी साहब से एक बात बोल दीजिएगा, एक डीएसपी का इतना डरपोक होना शोभा नहीं देता उसे। वैसे हम निकलते हैं, काफी देर से वेट कर रहे, वो चूहा अपने बिल से निकलने नहीं वाला। चलो संजीव। जय भोलेनाथ। दादा अब सब ठीक हो गया, चले अब। चलो देखो जरा। अरे ये क्या पागलपन कर रखा है? हाँ पागल हुई हो क्या? क्यों, किस लिए? आपने कहा था ना कि हम सड़कों पर आ जाएंगे, हमें नहीं आना सड़कों पर। अपने हक के जेवर गहने पैसे से हम जी लेंगे आराम से। हम जी लेंगे, ये सब हमारा है। हम जी लेंगे आराम से। दादा आपकी इस समय तबीयत ठीक नहीं है, वरना इस वक्त कुछ कहते हम आपसे। तुमको क्या लग रहा है, तुम्हारे अकेले हक का है? अरे सबका हक है इस पर। उतारो इसे, उतारो और होश में आ जाओ, वरना क्या? हमारी दुर्गति भी सिद्धेश्वरी देवी की तरह कर दोगी? बोलो ना, बोलते बोलते रुक क्यों गए? उसकी तरह हमारा भी एक बेटा, हमारा देश इस जिंदगी भर नफरत की आग में चलेगा और हम सड़कों पर भटकेंगे। यही करना चाहते हो ना तुम लोग? होश में आओ खुशबू, होश में आओ, बंद करो ये पागलपन। तुम्हारी तमाम हरकतों के बावजूद भी हम इस परिवार की संपत्ति को बचाने में लगे हैं। मजबूर मत करो हमें कि तुम्हें घर से बाहर का रास्ता दिखाना पड़े। तुमने वो कागज जला के हमें कितनी बड़ी मुसीबत में डाला है जानते हो? दादा दादा एक मिनट, वो कागजात, उसकी तो पहली प्रति जो ओरिजिनल थी, वो तो आपके नाम पर है ना? अरे हाँ वो तो है ना घर में। मानो चलो हमारे साथ। ये तमाचा याद रहेगा हमें, इस तमाचे की गूंज तुम्हें तबाह कर देगी। लाख कोशिश कर लो हमसे हमारा हक छीनने की, लेकिन हम अपना हक लेकर आएंगे कि मिल्कियत हमारी है। धोखा नहीं दे सकता है कोई खुशबू को। मुझे शक था ये वही है, वही राजीव की बचकल बीवी। कोई नहीं बचेगा मेरे हाथों, विराज त्यागी के हाथों सब मरेंगे, सब तबाह हो जाएंगे। अब तो घबराना छोड़ दो गुरु, खतरा टल चुका है, हम सुरक्षित हैं।
यकीन ही नहीं हो रहा है कि हम लोग ही कर लिए। सिर्फ कर ही नहीं लिए बल्कि कामयाब भी हो गए। और तुम तो काफी सारी ऐसी चीजों में कूद चुकी हो और जीत भी चुकी हो। वैसे आजकल बहुत अजब गजब जिंदगी चल रही है तुम्हारी। वो सब छोड़ो, तुम बताओ तुम ठीक हो ना? हाँ हम एकदम ठीक हैं। लेकिन एक बात कहना चाहते हैं। हाँ बोलो। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू आपका। हमारा? हाँ। अरे हम क्या किए, तुम्हारे प्रयास के आगे हम सब जीरो हैं। तुमने जो किया है और तुम जो कर रही हो वो किसी के बस की बात नहीं है। ऐसा क्या कर दिए हम? कोई भी कर सकता ही तो। राजीव और रिया एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। इतना प्यार तो हमने आज तक कभी किसी को करते हुए नहीं देखा। और तुम उस लड़की की मदद कर रही हो जो तुम्हारे पति की पुरानी प्रेमिका थी। महान हो तुमको। ये अपना लाचार रवैया दूर कर। दावा जमा अपने हक का, अपनी पत्नी के हक का, अपने प्यार के हक का और अपने सुहाग के हक का। वरना कहीं ऐसा ना हो जाए कि देर हो जाए। तुमने जो किया है वो और कोई नहीं कर सकता। कुर तुम्हारी जगह अगर कोई और होता तो रिया को कभी बर्दाश्त नहीं करता। तुमने ना सिर्फ उसे बर्दाश्त किया है बल्कि अपनी जान पे खेल के उसकी जान भी बचाई है। तुम महान हो कुहू। नहीं, हम जानते हैं राजीव बाबू को ना सिर्फ प्रिया जी का सुरक्षा का चिंता है। बाकी जैसे ही राज का खतरा टल जाएगा ना, प्रिया जी खुद ही यहाँ से चल देंगे। रिया, रिया, हिम्मत कैसे हुई तेरी उसको छुपाने की? क्या किया उसने, क्या बात हुई उससे तुम्हारी? तुम क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। किससे बात की मैंने, किसको छुपाया? वो मेड, वो मेहरी, वो कुहू ही थी ना, राजीव की बदशकल बीवी। तुमने उसको घर पर छुपाया था ना? बोल। और मैं घर भर में बेवकूफों की तरह ढूंढता रहा उस मेहरी को। जान से मार दूंगा अगर मुझसे झूठ बोला तो। बता क्या बात हुई तेरी उससे, बता क्या बताया तूने उसको, बोल बोल। प्लीज यकीन मानो मेरा, मैंने मुझे नहीं पता तुम किसकी बात कर रही हो और कौन आया था यहाँ। और वो मेरी कुहू थी, मुझे नहीं पता। वो तो काम के बीच में ही चली गई, उसका फोन आया था। वो छड़ा, एक पैसे का भी विश्वास नहीं है मुझे तुझ पर। धोखेबाज औरत हो तुम। धोखा पहले भी दिया था तुमने मुझे जब तुम मुझे छोड़कर राजीव के पास चली गई थी उससे शादी करने के लिए। विराज त्यागी से धोखेबाजी बहुत महंगी पड़ेगी तुमको। ऐसा हश्र करूंगा तेरा कि रूह कांप जाएगी तेरी। काफी समय हो गया, कहां रह गए ये लोग? चोट वोट तो नहीं लगी ना तुम्हें? ठीक है राजीव बाबू, हम तो खिड़की फान के आ गए। खिड़की फान के? बाप रे। हमारी भाभी बहुत बात हो गई है ना भाभी? हम कितना परेशान थे तुम्हें क्या बताएं? हम ठीक है राजीव। भोलेनाथ की कृपा है। वैसे जो रिया का बयान तुमने भेजा था ना वो शिकायत दर्ज करवाने के लिए काफी है, लेकिन और आगे सबूत लगेगा।
क्योंकि जिस इंसान के खिलाफ हम शिकायत दर्ज करने जा रहे हैं वो दरिंदा और बहुत खतरनाक इंसान है। उस पे भी वर्दी वाला डीएसपी। अभी ये पुलिस कंप्लेन, ये एफआईआर से कुछ नहीं होने वाला, कभी भी पलट सकता है वो, और ठोस सबूत की जरूरत होगी हमें। उसका भी इंतजाम कर दिए हैं हम। इंतजाम? हाँ, हॉल में ना एक कोना में मोबाइल का कमरा चालू करके रख दिए हैं और वो चालू अवस्था में ही है, तो वहाँ जो जो हो रहा होगा ना सब यहाँ दिखाई देगा, देखिए ना। जाने मन, तुम्हें क्या लगा तुम बच जाओगी? मेरे प्यार की गिरफ्त से बच जाओगी? तुम्हारा वो पुराना बेवकूफ आशिक और उसकी बदशकल बीवी तुम्हें मुझसे आजाद करा देंगे। अब तो कहर बरसेगा। बेबी, बैठो 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 बैठो, तुम्हारी मरम पट्टी कर देते। विराज तो बहुत ही दरिंदा जैसा आदमी है। रियली सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो। आई नो मुझसे गलती हुई है और जो तुम कहोगे मैं करूंगी और तुम्हारा हर कहा हुआ मानूंगी। सॉरी सॉरी बोलती रहती है पर फिर भी मेरी बात नहीं समझती। अरे मेरी जान, हम तो बस इतना चाहते हैं कि तुम मेरी बनकर रहो। मैंने तुम्हें राजीव से जीता है, वैसे तुम कई बार हारा मैं राजीव से, पर तुम्हें जीतने के बाद ही फाइनल जीत मेरी हुई है। अब मैं बस इतना चाहता हूं कि तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरी बनकर रहो। और जाने मन, कोई ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास, ऑप्शन की तलाश करोगी तो जान से जाओगी। मुझे बस एक, एक, एक और मौका दे दो। देख रहे हैं, देख रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, रिया जी के साथ मार मार के अधमरा कर दिए हैं। चलिए अभी चलना होगा उनको बचाने के लिए। चलिए हम लोग रुक नहीं सकते, हम लोग इंतजार नहीं कर सकते, चलिए यहाँ से। लेकिन कुहू, अभी शांत हो जाइए, ये उत्तेजित होने से कुछ नहीं होगा और वहाँ जाके हम कुछ नहीं कर सकते। वो सबूत के बिना हम विराज के ऊपर कार्यवाही नहीं कर सकते। लेकिन अभी आप फिक्र मत कीजिए, या कि इस भाई से हम उन्हें तलाक दिला सकते हैं और विराज को जेल। लेकिन यूँ चले जाने से केस कमजोर पड़ जाएगा, प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। रिया जी पे जुम होते हुए देखते रहे हम लोग, हाथ पे हाथ धरे देखते रहे बस। हाँ क्या बोल रहे हैं आप लोग? कोई कुछ नहीं करेगा। क्या चोर पुलिस का खेल खेल रहे हो तुम लोग? दिमाग खराब हो गया तुम लोगों का? बाबा, हम लोग ना रिया को जालिम से बचाने के लिए मदद कर रहे हैं, जिसके लिए आपने हमें मदद करने से मना कर दिया। वो काम अब हम लोग, और वो भी कानूनी तरीके से। हम जो कह रहे हैं समझ क्यों नहीं आता तुम लोगों को? क्या महादेव,
क्यों इतना गरज बरस रहे हो? सब ठीक तो है ना? रिया को बचा के कुछ भी हासिल नहीं होगा तुम लोगों को। बदमाश, विराज की रंजिश और नफरत कभी खत्म नहीं होगी। तो एक इंसान की रंजिश की वजह से हम एक मासूम लड़की की जान को दांव पे लगा दे, उसको उस जालिम के हाथों मरने दे? नहीं बाबा, हम रिया पे कोई भी जुल्म होने नहीं देंगे। भड़का बाबू, बहुत तकलीफ में है रिया जी। अब वीडियो देखिए ना, देखा ये वीडियो, देखिए देखिए ना, विराज इनको मार मार के तो मार ही देंगे, देख रहे हैं आप। तो बचाना बहुत जरूरी है भड़का बाबू। बाबा, हम दादा के साथ हैं। और हम भी। भाई, जिस बात को तुम लोग एक लड़की से जुड़ा हुआ मसला समझ रहे हो ना, वो अतीत से जुड़ी विराज की ना खत्म होने वाली नफरत है जिसका इंतकाम ले रहा है वो। उस विराज के सर पे हमारी बर्बादी का जुनून सवार है। लेकिन बड़का बाबू, हम लोग के पास तो विराज के खिलाफ सबूत भी तो है पूरा। अरे सुन नहीं रही हो तुम? कोई सरोकार नहीं हमारा उस विराज से, कोई सरोकार नहीं है। खुदा की बार देखो, सारे सबूतों को, सारे गवाह को देखो, बंद करो ये खेल। रिया जिस हाल में है, तज दो उसको, मत बढ़ो उनके जाति मामलों में। राम, ये हमारा आखिरी। हाँ, आराम से बाबा। तुम्हारे खिलाफ जाने की कोई जरूरत न करे, कोई नहीं। कैसे बचाएंगे अब रिया जी को? हे भोले बाबा, रास्ता दिखाइए।